लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने के लिए नीमच जिले के 5.5 लाख से अधिक मतदाता तैयार है। इस महापर्व को मनाने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा भी तैयारियां कर ली गई है। मतदान सामग्री का वितरण हो चुका है। मतदान का समय आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक नियत रखा गया है। लोकतंत्र का महापर्व का अंतिम चरण नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आज मतदान होगा। इस महापर्व में आहुति देने के लिए नीमच जिले के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए एक निष्पक्ष और विकासवादी सरकार को चुनेंगे। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में रविवार को मतदान अल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसका आखिरी वक्त शाम 6 बजे तक होगा। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्भीक मतदान के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शनिवार सुबह शहर के विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सामग्री का वितरण कार्य शुरू किया गया। सुबह 6 बजे ही सामग्री वितरण शुरू हो गई। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और SP राकेश सगर के निर्देशन में EVM और VVPAT मशीनों का वितरण किया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में कर्मचारी जुटे और PG कॉलेज में यूं तो दिन मतदान सामग्री वितरण करने की तैयारी चल रही थी। शनिवार को हजारों कर्मचारी आए तो मेला सा लग गया। लोकतंत्र का महापर्व के लिए मतदान दल EVM मशीन और VVPAT लेकर रवाना हो गए। एक दिन पहले ही मतदान कर्मी मतदान केंद्रों तक पहुंच गए। मतदान रविवार सुबह 7 बजे शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। नीमच जिले में कुछ 5,73,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 2,93,966 होंगे तो वहीं महिला मतदाता 2,79,129 होगी। जो मतदान केंद्र 741 होंगे, वहीं संवेदनशील मतदान केंद्र 160 होंगे। मतदान कर्मचारी 4,130 है तो वहीं पुलिस बल 3,085। इस बार के चुनाव में पहली बार बच्चों के लिए पालना घर होगा। सभी मतदान केंद्रों पर इस बार पालना घर बनाया जा रहा है। 19 मई रविवार को 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़, मंदसौर व नीमच संसदीय क्षेत्र सहित 7 अन्य सीटों पर भी मतदान। हम इस वक्त मौजूद हैं PG कॉलेज, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 18 तारीख को यहां से मतदान सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। हमारे साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कमलेश भार्गव जी आई है। हम उनसे जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएँ यहाँ की गई और किस प्रकार से जो है मतदान दल नीमच जिले में बनाए गए 741 मतदान केंद्रों पर मशीनें लेकर पहुँचे। सर, किस प्रकार की व्यवस्था है? नीमच के PG कॉलेज में तीनों विधानसभा के, मनासा, नीमच और जावर के सभी मतदान कर्मी मतदान के लिए 10% हमें VR रखा हुआ है। तो सारे दलों को हम इसी वितरित करें। हमें अलग अलग सीट का मतदान करेगा, मनासा या नीमच या जावर। यहाँ पर EVM और अन्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। सभी दल लोग आ रहे हैं। हमारे VR पार्टी भी है। हमारे 59 सेक्टर दल हैं, जो जिनके पास एक एक सेक्टर के पास 10-10 मतदान केंद्र है पूरा। तो सारी व्यवस्था बढ़िया है। ठीक है, सब सामग्री वितरण हो रही है पूरी और स्ट्रांग ही है। 19 तारीख को मतदान होने के बाद रात को जब भी आएंगे PRTI यहीं पर आकर अपनी EVM और सामग्री जमा करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से 300 जो वाहन अधिकृत किए गए, उन्होंने GPS लगाए गए हैं ताकि मतदान केंद्रों पर पहुँचे तो उनकी जो है लोकेशन चेक की जाए। किस प्रकार की व्यवस्था है उन वाहनों को लेकर? आयोग का निर्देश अनुसार कि जो भी वाहन लगे हुए हैं इलेक्शन में, सब में GPS लगा हुआ, सेक्टर मशीन गाड़ी में लगा हुआ, ताकि वो अपने लोकेशन में जहाँ गंतव्य स्थल है मतदान के वहीं पर जाए और सेक्टर के जो क्षेत्र अलाट किया हुआ वहीं पर सेक्टर वहीं पर लगातार भ्रमण करते रहे। सर, 741 मतदान केंद्रों में से ऐसे कुछ क्रिटिकल संवेदनशील मतदान केंद्र भी बनाए गए जिनको जो है CCTV कैमरों की नज़र में रखा जा रहा है। हाँ। किस प्रकार की जो है तैयारियां वहां की गई? अपने पुलिस के और प्रशासन के सहयोग से हमने कुछ क्रिटिकल मतदान केंद्र दिए हैं। यहाँ पर विशेष पुलिस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमने 55 पिंक बूथ बनाए हैं, जहाँ पर सारी महिला कर्मी मतदान कर्मी हैं। इसके अलावा हमारे जिले में 3 सुगम बूथ हैं, जहाँ पर तीनों बूथों पर, तीनों मतदान केंद्रों पर दिव्यांग लोग और मतदान कर्मी हैं। इसके अलावा हमने 45 आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं और 584 हमारे वो क्यूलेस मतदान केंद्र, यहाँ पर क्यूलेस मतलब लाइन लगनी होती पड़ी। हम सारी व्यवस्था मतदान केंद्रों की सारी व्यवस्था की है। छाया की व्यवस्था की है, पेयजल की व्यवस्था की है, बच्चों के लिए पालना घर बनाए हैं, दस की महिलाओं के लिए दिव्यांग लगे हैं, रेल की व्यवस्था केंद्रों पर। इसके अलावा हमने अपना वीर चल की व्यवस्था की गई है। अब सारे मतदान केंद्रों की व्यवस्था अच्छी चाकचौबंद की गई है। सर, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन पर सुरक्षा के एहतियातन पुलिस फोर्स कुछ और अधिक भेजा जाएगा, किस प्रकार की क्या व्यवस्था?
दो संवेदनशील मतदान केंद्र वहाँ पर लगातार हमारी पुलिस पार्टी में गश्त करी रहेगी, वहाँ पर लगाया है, दो समय समय पर बकायदा गश्त करती रहेगी, वहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। सीटीवी हलचल के लिए मेरे कैमरा पर्सन दिग्विजय सिंह क्लास के साथ में विकास राव सिंह।